Sonakshi, and I'm your engineering faculty, and I'm going to teach you for fifth semester. The subject will be probability theory and stochastic processes. तो बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल समझाने के लिए क्या क्या हमारा सिलेबस में आने वाला है, राइट? तो पेपर का कोड है बेटा 104506 और यह है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए. तो यहाँ पे जो है सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ की फॉर्मुलेटर की एप्लीकेशन आप जरूर प्ले स्टोर पे जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए. जितना भी वीडियो है, जितने भी कॉन्टेंट है, सब कुछ आपको हमारी फॉर्मुलेटर की एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा, राइट? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस बेसिकली होता क्या है. प्रोबेबिलिटी हम अभी जो है लाइक बेसिक से काफी क्लासेस में हम अब तक पढ़ते आए हैं, स्कूल में भी हमने पढ़ा था, उसके बाद कॉलेज अभी स्टार्ट है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में भी हमने कहीं ना कहीं पे जो है प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है लाइक वी कैन से कि कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है. कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या सिग्नल भेजा है और आउटपुट में जो है हमारा सिग्नल करेक्ट मिलेगा क्या, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी लाइक मॉर्निंग में कुछ टेम्परेचर था, मॉर्निंग थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर होता है, राइट? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे धूप निकल जाती है बेटा, वहाँ पे जो है टेम्परेचर हल्के हल्के जो है हीट अप होने लगता है, देन शाम होते होते फिर से जो है वो ठंडा होने लगता है, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूसली जो है जो चीज चलती रहती है, ठीक है, उन्हीं को हम जो है किसी एक रैंडम वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली, क्लियर है? तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के बारे में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट? कुछ हमारी थ्योरम्स हैं, कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम बहुत ही डेप्थ में अच्छे से करने वाले हैं. तो मॉड्यूल वन की अगर मैं बेटा बात करूँ तो मॉड्यूल वन में पहला जो टॉपिक आने वाला है वो है सेट्स एंड सेट ऑपरेशन. सेट्स क्या होते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन यानी कि स्कूल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेट हमारे मैथमेटिकली बनते हैं और उन सेट का यूज करके हम जो है इवेंट्स, सैंपल स्पेस हम किस तरीके से बनाते हैं और सैंपल स्पेस का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लाइक इन आवर बेसिक्स, या फिर हम कह लूँ कि हमने स्कूल में जो है इसको अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो सेट ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से सेट बनते हैं, राइट? इस तरीके से हमने देखा था कि कुछ यहाँ पे जो है होल नंबर है या ब्रैकेट है, इस तरीके से एक तरफ जो है ब्रैकेट ओपन होता है, एक तरफ इस तरीके से क्लोज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं. तो सेट्स जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस. इसके बाद है बेटा प्रोबेबिलिटी स्पेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी में जो है सैंपल स्पेस का क्या यूज होता है, क्या क्या फॉर्मुलेज हमें देखने को मिलते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ए, देन इस तरीके से एक लाइन होती है वर्टिकल और बी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे टर्म को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आई कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन. तो यहाँ पे कंडीशन तब है कि जब हमें बी की वैल्यू गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे गिवन है, तब हमें जो है ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है. तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के मेथड को हम बेसिकली जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जो है डिराइव करते हैं, डिफाइन करते हैं, राइट? इसी का ही यूज करके हमें मिलती है बेटा बेस थ्योरम. बेस थ्योरम क्या होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. एक फॉर्मूला होता है लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन एंड हैज इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो बहुत ही अच्छे से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसमें करवाऊंगी ताकि जो है कोई भी आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, राइट? सो यहाँ पे हो गई हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आती है हमारी कॉम्बिनेटोरियल प्रोबेबिलिटी एंड देन सैम्पलिंग मॉडल्स, ठीक है. ये सैम्पलिंग मॉडल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे चार टाइप के प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ते हैं एक सिंपल जो है रेंडमली सैंपल मॉडल, यानी कि हमें जो है रेंडमली किसी न किसी पार्ट से एक सैंपल को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है, और उसी के अक्रॉस हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. इसके बाद जो है सेकंड जो टाइप आता है वो हमारा सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी. सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड, जो है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है,
एंड क्लस्टर प्रोबेबिलिटी, ये किस टाइप के होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग मॉडल्स किस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉड्यूल नंबर फर्स्ट. सेकेंड मॉड्यूल जो है वो है हमारा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो है हमें कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हुए दिखेंगे. पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं. डिस्क्रीट में क्या होता है बेटा, लेट सपोज अगर मेरा कोई भी सैंपल इस तरीके से मुझे देखने को मिलता है, ये है अपनी डिस्क्रीट. ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से, एंड देन इट इज गोइंग टू फॉल. तो हमें यहाँ पे वेव फॉर्म तो मिलती है, लेकिन वो जो है किसी भी वेव की तरह नहीं होती है, डिस्क्रीट होती है. डिस्क्रीट यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से जो है इंटीजर फॉर्म में हमें देखने को मिलती है. क्या मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है, हमें इंटीजर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है. यानी कि यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होगा, लाइक 1.5, 2.5, 3.5 इस तरीके से जो है डेसिमल की वैल्यूज हम लोग नहीं करते, हम उसको राउंड ऑफ करके हम एक डिस्क्रीट सिग्नल में यहाँ पे इसको बात करते हैं. क्लियर. इसी का यूज करके जो है एक आती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को जो है हम इस तरीके से, अगर मैं आपको इसको समझाऊं, आई विल फाइंड इट लाइक दिस. यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो ये वेव इस तरीके से बनती है, कोई भी सिग्नल इस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं. तो कॉन्टिन्यूस का ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, देन 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.5, 2.5 इस तरीके से जो है ये वैल्यूज बढ़ती चली जाती है. फॉर एन एग्जांपल जो मैंने अभी दिया कि टेम्परेचर का, ये जो है टेम्परेचर जो है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरह काम करेगा. इसके अलावा मैं अगर दूसरा एग्जांपल दूं, लाइक हाइट ऑफ अ चिल्ड्रन, हाइट ऑफ चिल्ड्रंस, राइट, हाइट ऑफ चिल्ड्रन, या फिर किसी चाइल्ड की जो है हाइट है, बचपन से लेके अब तक जो है हाइट का क्या काम है, वो बेसिकली धीरे धीरे कंटिन्यू होके वो बढ़ती चली जाती है, एंड एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है. तो दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि टाइम के साथ साथ वो चीज जो है आगे फॉलो हो रही है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, PMF इसको हम बोल रहे हैं, राइट. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा इसमें जो है PDF हम इसको लेते हैं. एक होता है हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो आता है अपना इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आता है, देन आपका जो है थोड़ा सा मॉड्यूल नंबर 2 इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना. ठीक है, तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आप पहले करके रखिएगा. 11th, 12th की एक्चुअली क्लास में आपने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो फटाफट से जाके आपका कंटेंट आप चेक कर लीजिए हमारी फॉर्मुलेटर ऐप पे, अदरवाइज आप गूगल भी इसको कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट. अलोंग विद द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लाइक कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स वैल्यू. क्लियर. ठीक है, इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो भी मैंने अभी बताया, PDF फंक्शन, CDF फंक्शन, ये क्या होते हैं. यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा मीन के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हम वेरिएंस के बारे में. ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा कॉन्सेप्ट चलता हुआ जाएगा, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डेप्थ. क्लियर. तो आई होप मॉड्यूल 1 and 2 विल बी क्लियर. मॉड्यूल 3 में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे JDF के बारे में, यानी कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, यानी कि CDF, PDF ओवरऑल इन सबको मिला के एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करती है. तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. फंक्शन ऑफ 1 and 2 रैंडम वेरिएबल्स, अगर एक रैंडम वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रैंडम वेरिएबल अगर हमने इकट्ठे ले लिए हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, राइट. तो जो है जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं मैं साथ के साथ जो है आपको डिस्कस करती हुई चलूंगी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको डेप्थ में पढ़ाती हुई चलूंगी. यहाँ पे है डेंसिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, मोमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इसके अलावा कुछ बाउंडिंग टर्म्स हमारी होती है जिसको हम बाउंड्स बोलते हैं, मार्कोव, शेबिशेव, ठीक है, एंड शेरनॉफ. ये तीन टाइप के जो है बाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, राइट. नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल नंबर 5. मॉड्यूल 4 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रैंडम सीक्वेंसेस एंड मोड ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पहले हमने पढ़ा था रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रैंडम सीक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट. इसमें भी हमारा आता है यानी कि एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रोबेबिलिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, MSV हम इसको बोलते हैं, मीन एंड मीन स्क्वायर वैल्यू.
ठीक है, ये जो है किस मीन से जो है किस तरीके से रिलेटेड है, वेरिएंस से किस तरीके से रिलेटेड है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। लिमिट थ्योरम क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑफ वीक लॉज ऑफ लार्ज नंबर क्या है, एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली क्या होती है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। मॉड्यूल 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे हमने रैंडम वेरिएबल्स पढ़े, रैंडम सीक्वेंसेस पढ़े, फिर हम पढ़ेंगे रैंडम प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें हमारे होते हैं स्टेशनरी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, मीन होता है एंड कोवेरियंस फंक्शन यहाँ पे होता है। अभी तक हमने पढ़ा है वेरियंस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोवेरियंस फंक्शन क्या होता है और मीन का हम इस यहाँ पे जो है किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली हम LTI सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि टाइम पे वेरी ना करे, टाइम के साथ वेरी ना करे, वो इनवेरिएंट हो, यानी कि टाइम पे डिपेंड ना करे, वेरी ना करे टाइम के साथ। ठीक है, तो उस टाइप के फंक्शंस हम लोग यहाँ पे डिपेंड करेंगे। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है एर्गोडिसिटी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कभी कभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें पूछा जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम प्रोसेसेस थ्रू LTI सिस्टम, यानी कि रैंडम प्रोसेसेस का जो है ट्रांसमिशन हम कैसे करेंगे अगर जो है हमारा सिस्टम टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो। क्लियर। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, PSD से हम इसको डिनोट करते हैं। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी। एंड देन मार्को चेन एंड मार्को प्रोसेसेस क्या होते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। तो ये जो बेटा टर्म्स हैं ये आपके लिए नई है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तो जितनी टर्म्स नई है उतने ही बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्टेंट PPT PDF आपको हाथों हाथ मिल जाया करेगा हमारी फॉर्मुलेटर एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो है वो है अपना मॉड्यूल 1, क्योंकि वो बेस बनाता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देन धीरे धीरे मॉड्यूल 2, 3 ये जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हुए चले जाते हैं, और पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको पूरे अच्छे से कराने वाली हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। राइट, कुछ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, और मोस्टली इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स भी हम अच्छे से करेंगे ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स गेट या SSC या फिर JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, आगे भी आपको जरूर काम आएगी अगर आप आगे गेट की कोचिंग या फिर गेट की तैयारी हमारे साथ करते हैं तो। राइट गाइज, तो चलो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसके अलावा जो है अभी अपकमिंग डेज में हम इसके लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो फटाफट से बस आपको क्या करना है, जाके प्ले स्टोर पे फॉर्मुलेटर को आप टाइप करो, फॉर्मुलेटर एप्लीकेशन आपको फ्रंट में ही दिख जाएगी, और फॉर्मुलेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर लो, अपनी डिटेल्स वहां पे फिलअप कर लो, एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द वीडियोस एंड कंटेंट। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। सी यू गाइस, थैंक यू।